गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2018 में एक प्रश्न आया था CBSE बोर्ड में कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 996 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वेरीफाई भी करना है और HCF LCM भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन 2019 में आया था, ये कहता है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी बराबर एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। फाइंड द HCF ऑफ ए बी एंड LCM ऑफ ए बी। तो इस प्रकार से ये दो प्रश्न आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इन दोनों प्रश्न में दोनों प्रश्न एक 18 और एक 19 में आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वन बी बाई सिक्स, ये प्रश्न है ना। HCF ऑफ 404 एंड 96 पियर प्राइम फैक्टर रोसेंस। तो 404 ये बराबर हो गया, अब यहाँ पर 404 का हो जाएगा 2 × 2 × 101 और 96 का हो जाएगा 96 का फैक्टर हमारा हो गया ये 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और इसका हो गया 2 × 2 × 101। तो अब हमको HCF अगर निकालना है ना, वो HCF बराबर हो जाएगा, अब देखिए ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है बस, तो 2 × 2 = 4 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और LCM बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 2 × 2 × 3 × 2 × 0 = 1 = 4 × 8 × 2 × 3 × 4 × 0 = 1 = 9। इसलिए LCM बराबर हो गया 96 CM हो गया और ये हमारा HCF हो गया, देख रहे हैं HCF हो गया और ये LCM हो गया। तो इस प्रकार से LCM और HCF हमने निकाल लिया। We have to verify this statement. Uh,
LCM into HCF is equal to first number into second number. ये हमें वेरीफाई करना है, तो चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया एल सी एन इंटू एच सी एम बराबर हो गया नाइन सिक्स इन और नाइन सिक्स इंटू एच सी एफ फोर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर हो गया 404 इंटू लाइन सिक्स। यही है 404 लाइन सिक्स। अब ये बराबर हो गया 3887 इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये तो हमारा पहला नंबर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1/7 यही ना। अब दूसरा प्रश्न है गिवेन ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी बराबर एक्स वाई स्क्वायर। तो नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ए इज इक्वल टू हो गया एक्स इंटू एक्स इंटू वाई और बी बराबर हो गया आपका एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई एच सी एफ। ये बराबर हो गया जो मैच करेगा दोनों में उसे ही लेंगे। तो एक तो पहला एक्स एक्स मैच कर गया और दूसरा ये वाई वाई मैच कर गया और फिर तीसरा ये वाई वाई मैच कर गया तो इसलिए हो गया एक्स बूढ़ा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा हो गया एच सी एफ। अब एल सी एम अब ये बराबर पहले तो जो मैच कर गया उसको लिखते हैं तो वो मैच कर गया मेरा एक्स वाई स्क्वायर बूढ़ा। अब यहाँ दो एक्स बच गया तो एक्स स्क्वायर हो गया और एक वाई बच गया तो वाई हो गया और ये बराबर हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये दो हमारा आपका आज का आंसर हो गया इस मैथ का। अब दो मैथ आपने देखा, दोनों मैथ इजी था, सॉल्यूशन केवल दिमाग लगाना था और इस प्रकार से ये मेरा सॉल्व हो गया। दोनों मैथ दो मैथ था पहला दूसरा और ये दोनों इजी मैथ था लेकिन दोनों एक 18 में आया एक 19 में आया तो इसलिए इस दोनों को सॉल्व करना ज़रूरी था और दोनों ये ही एकदम बिल्कुल आसानी पूर्वक सॉल्व हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।